So basically this is a paper like wireless brain computer interfacing for smart home and medical systems. So इसमें कुछ चीज़ें जो थी वो होम अप्लाइंसेज प्लस मेडिकल इक्विपमेंट्स को हमने इस पेपर के अंदर कनेक्ट किया था, सही है ना? दिस इज़ द कम्प्लीट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पेपर. आई विल शेयर दिस पेपर वंस द लेक्चर हैज़ बीन ओवर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर. लेट मी टेल यू, इसमें हमने एक ईजी हेडसेट लिया था, इपॉक्सी के नाम से है, सही ना? ये मार्केट में अवेलेबल है. ये जो हेडसेट है ना, इसके थ्रू ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. आमतौर पे ये हेडसेट जो है ना गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है. तो इसमें एटेंशन लेवल को एक्सट्रैक्ट करके ना इसका जो डेटा है वो थ्रू ब्लूटूथ ट्रांसफ़र होता है. तो जो स्टूडेंट्स ने जो बनाया था उन्होंने वो यही किया था कि आर्डिनो को लेके ब्लूटूथ मॉड्यूल से इंटीग्रेट किया था, और इसमें एक लाइट बल्ब और फैन को कंट्रोल किया था. दूसरी तरफ एक ब्लड प्रेशर डिवाइस थी और एक थेरोप्यूटिक बेल्ट थी, सही ना? तो ये दो मेडिकल डिवाइसेस हो गई, ये एक होम अप्लाइंसेज हो गए. इनको कंट्रोल कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ईजी हेडसेट, और इसमें तमाम का तमाम जो डेटा था वो ब्लूटूथ के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर के पास जा रहा था, सही ना? इसी तरह फिर इसका जो हेडसेट की जो कंट्रोलिंग थी ना वो एक स्मार्टफोन फोन में MIT ऐप से ही बनाई थी कि आप अपने स्मार्टफोन में ना देख सकें कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, सही ना? इस ECG हेडसेट में एक और फीचर था कि आई ब्लिंक को काउंट करने का ना. तो उसमें एक दफ़ा अगर आई ब्लिंक की तो लेट सपोज के लाइट बल्ब ऑन हो गया, दो दफ़ा की फ़ैन ऑन हो गया, तीन दफ़ा की तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर एंड सो ऑन इस तरह से ऑन हो गया. तो इसमें जो एटेंशन लेवल है, जब आप अपने माइंड पे ज़रा जोर देते हैं तो उससे ना एक सिग्नल्स जनरेट होते हैं जिसको वो कैच करता है. तो उसके अंदर ये कुछ इसकी पेयरिंग की जो वो है कोडिंग थी वो मेंशन हुई हुई है, और फिर इसका स्टेशनरी पे जो हमारा मॉडल था उसकी वो एक डायग्राम है, और इसमें कुछ एनालिसिस वगैरह की गई थी, सही है ना? तो वो अलग से एनालिसिस वगैरह इसकी ये वही MIT पे ऐप बनाई थी ना, इस ये वाली इस तरह से. तो ये अटेंशन लेवल में एक लेवल रखा हुआ था कि अगर अटेंशन लेवल आपका 40 से 50 के दरमियान होगा तो वो चीज़ ऑन हो जाएगी, 50 से अपर चला जाएगा तो वो ऑफ़ हो जाएगी. तो वन ब्लिंक के ऊपर ब्लड प्रेशर डिवाइस को सेट किया हुआ था, टू ब्लिंक के ऊपर फ़ैन लाइट और ये एक बेल्ट थी हमारी ना, उसको एडजस्ट किया हुआ था. इस तरह से मींस के इस ऐप के थ्रू आप मॉनिटर कर सकते थे कि कौन सी आपने जो डिवाइस है उसको ऑन किया हुआ है, सही है? तो इस तरह से यानी ये एक वो एक प्रोजेक्ट था, सही है ना? उसको टेस्ट किया है ना वो तकरीबन 60 लोगों के ऊपर, 50 से कम 50 से ज़्यादा पे एनालिसिस करके अपने ये रिजल्ट जनरेट किए थे. तो इस तरह से आपका ना रिसर्च पेपर भी निकल सकता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हो सकता है. इसकी इन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी, वो भी मैं यहाँ पर ना शेयर करता हूँ. उसी में मुझे ज़्यादा टाइम लगा कि काफ़ी टाइम गुजर गया था तो वो मुझे मिल नहीं रही थी. Light will off.
handle of. तो इस तरह से यानी मीन्स कि ये एक प्रोजेक्ट था जो कि सक्सेसफुल रहा था, इसमें इन्होंने कंपटीशंस में भी हिस्सा लिया था मुख्तलिफ, तो उस तरह से ये इट विल बी वेरी यूजफुल थिंग ना, तो इसको रीड आउट करना और लेटर वी विल डिसाइड कि अगर इसमें हम फर्दर कुछ काम कर सकें तो हम कोई इस पर थोड़ा बहुत एक रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करेंगे, सही ना। तो इस तरह से ये एक रिसर्च आर्टिकल था जो कि एक्स कैटेगरी जर्नल में पब्लिश हुआ है, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल था ये ना, वायरलेस पर्सनल कम्युनिकेशंस का। अच्छा, कम टूवर्ड्स टूडेज लेक्चर, सही है। कल हम लोगों ने ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड सम टेक्नोलॉजीज अबाउट द ब्लूटूथ, यानी मीनिंग्स के बीइंग अ FIP लेवल सो यू कैन यूज़ द ब्लूटूथ एंड ज़िगबी थिंग्स। पर्सनल एरिया नेटवर्क हमने देख लिया था, पर्सनल एरिया नेटवर्क बिलोंगिंग्स टू द सेम रूम और मैक्सिमम द सेम फ्लोर, सही ना। लोकल एरिया नेटवर्क बिलोंग्स टू नियर बाय बिल्डिंग, सही है। और वायरलेस लैन इज़ ऑल्सो कवरिंग द नियर बाय बिल्डिंग, सही ना। एक सेम लोकेलिटी, अगर इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग मोर देन 1 किलोमीटर देन द लैन डजेंट वर्क, सही है ना। वहाँ पर फिर मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क आ जाता है, सही है। उसको मैं इतना स्किप कर रहा हूँ कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सही है। तो और वैसे भी हमारा मेन डोमेन जो है टेलीमेडिसिन एंड कम्युनिकेशन नहीं है, तो उस वजह से उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट डिफरेंट लैन सेटअप, सही है ना, यानी मीन्स के एक लैन नेटवर्क है, सही ना, जो कि अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, फिर एक और कोई लैन सेटअप है, फिर एक और लैन सेटअप है। If you integrate all of these LAN setups together, so that becomes a WAN, wide area network. Like, if you have offices in different cities or different areas of the cities, so you require the WAN connectivity to integrate these network together. सही ना। For example, अगर हम banks की example लें, सही ना, तो bank जितने भी कोई भी एक bank है उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज होती हैं, सो इफ़ दे वॉन्ट टू इंटीग्रेट टू ईच अदर एंड डेफिनेटली इट इज़ इंटीग्रेटेड विद एटलीस्ट विद देयर हेड ऑफिस, सो दे रिक्वायर्ड द वैन नेटवर्क, सही ना। सो वैन कैन बी इस्टेब्लिश विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सही ना। तो उसमें जो मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी है इट्स द इंटरनेट, सही ना। विद द हेल्प ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वैन इज़ द इंटरनेट, सही ना। इंटरनेट इज़ अ पार्ट ऑफ द वैन, सही ना। इसके अलावा भी जो वैन नेटवर्क्स हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, सही ना। सो करेंटली लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर मेजर 3 कैटेगरीज ऑफ द वैन कम्युनिकेशंस, इन विच वन इज़ कॉल्ड द डेडिकेटेड लीज लाइंस, वन इज़ द सर्किट स्विचिंग कनेक्शंस एंड अदर इज़ द पैकेट स्विचिंग कनेक्शन, सही है। तो ये 3 तरह के हमारे पास वे ऑफ कम्युनिकेशन है वैन नेटवर्क्स को प्रोवाइड करने के लिए, सही है ना। डेडिकेटेड लीज लाइन्स का मतलब ये होता है कि अ लाइन हैज़ बीन इस्टेब्लिश बिटवीन 1 पॉइंट टू एन अदर, सही ना। ये एक डेडिकेटेड लाइन होती है और ये काम करती है डायरेक्टली बिटवीन द 2 पॉइंट, सही ना। अब इसका डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, सही है ना, यानी मीन्स के मे बी इट्स लाइक 100 किलोमीटर्स भी हो सकता है, क्योंकि फिर उसमें बीच में राउटर्स लगाने वो रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं ताकि आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो, सही ना। बेसिकली लीज लाइन इज़ अ डेडिकेटेड प्राइवेट इंटरनेट लाइन्स डेट बिजनेस रेंट मंथली टू गेट अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, सही है। तो इसमें ये होता है कि बेसिकली दिस इज़ अ यानी ये डेडिकेटेड लाइन होती है, सही है। इसमें किसी और का कोई शेयर नहीं होता, इसकी जो बैंडविड्थ जो कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है वो फिक्स होती है, तो उसमें किसी किस्म का वो एक होता है ना कि डाउन स्ट्रीम या इंटरनेट का स्लो हो जाना या कुछ कुछ और प्रॉब्लम हो जाना तो वो नहीं आता, सही है। फिर इसके अंदर यानी मींस के अगर इफ़ द डिस्टेंस इज़ मच मोर हायर, यानी जितना फिजिकल डिस्टेंस वाइडली कवर्ड नहीं हो सकता, तो उसको थ्रू द राउटर्स कवर्ड किया जाता है नेटवर्क के ऊपर। तो उसका इसका जो नेटवर्क भी जो इस्टेब्लिश किया जाता है तो वो इसी तरह इस्टेब्लिश किया जाता है कि दीज राउटर्स इज़ ओनली वर्क फॉर दीज पार्टिकुलर ऑफिस, सही है ना। कि एक आपका वेस्ट कोस्ट ऑफिस है, एक ईस्ट कोस्ट ऑफिस है, दोनों में डिस्टेंस ठीक ठाक है, तो वो तमाम के तमाम अपने लोकल सर्वर से जब कनेक्ट करते हैं तमाम पीसीज, तो
तो वो सर्वर जो है आगे राउटर के साथ कनेक्ट करता है, सही ना। तो देयर इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन द राउटर एंड राउटर, सही ना। सो इट इज़ लाइक द शेयर्ड कम्युनिकेशन एज वेल एज द डेडिकेटेड कम्युनिकेशन। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन जब की जाती है तो दोनों ऑप्शंस इसमें रखे जाते हैं। टू पॉइंट वैन कम्युनिकेशन मीन्स के दिस राउटर इज़ ओनली कम्युनिकेटेड विद दिस राउटर, और इन बिटवीन अगर कोई और राउटर है तो उससे भी वो कम्युनिकेट कर सकता है, जितने भी इनके ऑफिस वगैरह हों, सही ना। सो दीज आर द कॉल डेडिकेटेड लीज लाइन, सही ना। इसकी जो एक कमर्शियल शक्ल है वो उसको कहते हैं T1, सही ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरियर्स, E1 कैरियर्स एंड T1 कैरियर, सही ना। तो ज़्यादातर यानी मीन्स के अगर इसको हम लें तो सिर्फ एक समझाने के लिए, तो ये T1 कैरियर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द लाइक कम्युनिकेशन कंपनी इन योर कंट्री, लाइक इन पाकिस्तान द PTCL इज़ प्रोवाइडिंग, सिमिलरली इन अदर कंट्रीज वॉट एवर देयर लोकल्स कम्युनिकेशन कंपनी हु आर प्रोवाइडिंग दिस पार्टिकुलर सर्विसेज, सही ना। सो बेसिकली जो T1 कम्युनिकेशन है ये वैसे के लिए ये है कि इट वर्क्स ऑन लाइक द 24 सेपरेट चैनल्स, इसके ना डेडिकेटेड 24 सेपरेट चैनल्स होते हैं, सही है। एंड इट्स ओवरऑल स्पीड इज़ 1.4 मेगाबिट्स पर सेकेंड, सही ना। 1.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड से ये डेटा जो है वो इनकी कम्युनिकेशन इसका रेट है, सही है। इनिशियली ये शुरू हुई थी कॉपर वायर के थ्रू, सही ना, लेकिन अब फाइबर ऑप्टिक्स और वायरलेस मीडियम के ऊपर ये ट्रांसफ़र हो चुकी है, सही है। इसका अंदाज़ा कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स की जो कम्युनिकेशन है वो होती है 64 किलोबिट्स पर सेकेंड पे, सही है। तो उसमें जो हमारे पास T1 कैरियर है, सही है ना, वो 1.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड, यानी उसके अंदर 24 डेडिकेटेड लाइंस होती हैं। उसमें आप ये कर सकते हो कि 24 लाइंस पे सेम टाइम पे आप वॉइस डेटा या क्या कहते हैं टेक्सचुअल डेटा हो गया, सही ना, तो वो ट्रांसमिट किया जा सकता है। फिर उससे ऊपर हाइयर अगर आप जाते हो तो T3 लाइंस आ जाती हैं, T3 कैरियर, सही ना, जिसमें 43 मेगाबाइट्स पर सेकेंड का डेटा ट्रांसफरिंग रेट है। उसमें ये है कि 28 T1 लाइंस को इंटीग्रेट किया जाता है, सही ना। तो ये एक वेरी ब्रीफ समरी है अबाउट दिस पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी, सही ना। तो दैट्स कॉल्ड द डेडिकेटेड लीज लाइन, सही ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिकेशन है ये इसके बिटवीन हो रही है, सही ना। अब फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम यूजिंग द PTCL इंटरनेट, सही ना। सो दिस इंटरनेट इज़ नॉट डेडिकेटेड फॉर मी, इट इज़ शेयरिंग बिटवीन मैनी अदर पीपल, सही ना। और मैं चूँकि एक वाईफाई को यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा वाईफाई जो है मेरे घर के दूसरे मोबाइल्स पे भी कनेक्टेड है, टैबलेट पे भी कनेक्टेड है, सही है ना। तो इस तरह से जो मुझे बैंडविड्थ मिल रही है वो शेयर्ड मिल रही है, सही ना। लेकिन ये जो T1 और T3 लाइंस है ना, दे आर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट फ्रॉम सर्वर टू सर्वर दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। उसके बाद फिर हमारे पास आती है एक सर्किट स्विचिंग कनेक्शन, सही ना। सर्किट स्विचिंग की जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि जो योर टेलीफोन लाइन, सही ना, इफ़ यू कनेक्ट द टेलीफोन लाइन टू कॉल एंड कॉल टू अनदर पर्सन, सही है ना। तो उसमें ये होता है कि आपका ना एक जो पाथ होता है ना वो इस्टेब्लिश हो जाता है, यानी फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ वन फोन, सही है ना, वो यहाँ से यहाँ एक स्विच से कनेक्ट हुआ, यहाँ पे कनेक्ट कर गया, फिर सही, फिर ये दूसरा फ़ोन है इससे कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट कर गया। लेट सपोज के एक सिटी है उसमें ये 4 फोन्स हैं, अनदर सिटी है उसमें ये 4 फोन्स हैं, तो ये जो चारों के चारों फोन्स हैं ये आपस में एक सर्किट क्रिएट कर लेते हैं, सही है ना। तो उससे ये हो गया कि डेडिकेटेड पाथ बन गया, सही ना, वक्ती तौर पर। अब जो लीज लाइन थे उसमें ये था कि इट इज़ द परमिनेंट कनेक्शन, सही ना, वंस यू हैव टेकन दिस पर्टिकुलर कनेक्शन इट इज़ रिमेन फॉर एवर। लेकिन यहाँ पे सर्किट स्विचिंग में ये है कि जब तक ये कॉल अटेंड कर रहा है फोन वन इस पर्टिकुलर पॉइंट का इससे, तो ये लाइन स्टैब्लिश हो रहेगी, जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो ये लाइन फ्री हो जाएगी, सही है। उसके बाद हो सकता है कि फोन नंबर वन जो है वो फोन नंबर 3 से कनेक्ट कर जाए, लेकिन जो कनेक्शन है इट विल बी रिमेन कनेक्टेड। तो इस तरह से ये होगा कि 4 लाइन्स हैज़ बीन फिक्स्ड, सही है। उसके बाद लेट सपोज़ कि अगर मैं यहाँ पे एक 5th फोन यहाँ पे और अटैच कर दूँ और यहाँ पे स्टिल मेरे पास 4 लाइन्स हैं, तो उसके पास यही मैसेज आएगा कि यू हैव नो एनी फर्दर कनेक्शन, सही ना। यानी मीन्स के इसमें ना एक लिमिट आ जाती है कि अगर लाइन्स, अगर आपके पास लिमिटेड लाइन्स हैं, 4 लाइन्स का डेटा है, सही है ना, तो 4 लाइन्स अगर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं तो 5th वन जो है वो उसमें कनेक्ट नहीं कर सकेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लीज लाइन्स बट अ टेम्परेरी सोल्यूशन, कि जब तक आप
डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, जब तक आपने उसको कनेक्ट रखा हुआ है उस वक्त तक ये काम कर रही है, उसके बाद जब आपने उसको फ्री कर दिया तो इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय समवन एल्स, लेकिन नॉट मोर देन फोर लाइंस कैन बी कनेक्टेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो सच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द सर्किट स्विचिंग. सही है ना. ये आमतौर पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग्स वगैरह कुछ होती हैं तो उसके अंदर इसको यूज़ किया जा रहा होता है, या फिर हमारे पास जो जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं डेट्स कॉल्ड द ISDN लाइन्स, है ना, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क. सही है ना. तो इसका इसकी एक स्लाइड है वो मैं ऐड करूँगा. दिस सर्विसेज इज ऑलमोस्ट ऑब्सोलीटेड, स्टिल इट इज़ अवेलेबल. यानी आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, इवन पाकिस्तान में भी ISDN लाइन्स अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन अब इनका यूटिलाइजेशन ना काफ़ी कम हो गया है. सही है ना. तो जिस तरह मैंने बताया था कि अगर आपने लीज लाइन लेनी है, यू कैन गो टू द T1 लाइन. सही ना. T1 कैरियर की कनेक्टिविटी आप लेते हैं. यहाँ पे अगर आपने सर्किट स्विचिंग की लेनी है आपने कनेक्शन, तो ISDN लाइन्स जो हैं वो कंपनीज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं. इसमें ISDN लाइन सिर्फ वब कनेक्ट होती हैं जब आप डेटा ट्रांसमिशन वगैरह कर रहे होते हैं, उसके बाद वो लाइन फ्री हो जाती हैं. और इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू के आपने कितनी ISDN लाइन्स जो हैं वो ली हुई हैं. सही ना. ISDN लाइन्स आर द डिजिटल लाइन्स. सही ना. दीज आर नॉट लाइक द एनालॉग टेलीफोनी सिस्टम्स, बट इट्स वर्क्स एज अ टेलीफोन सिस्टम. फिर हमारे पास आता है पैकेट स्विचिंग कनेक्शन. सही ना. पैकेट स्विचिंग कनेक्शन इज राइट नाउ द मोस्ट ली यूज इन द इंटरनेट कम्युनिकेशन, ख़ासकर से जो भी हम लोग अभी जो ये मीटिंग कर रहे हैं. सही है ना. ई लर्निंग और टीम माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करते हुए, तो इसमें जो हमारी डेटा ट्रांसमिशन है वो सारी पैकेट स्विचिंग टेक्निक से ट्रांसफ़र हो रही है. उसमें होता ये है कि एक कोई भी सिस्टम है, तो चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, कुछ भी हो, जो भी जिसके थ्रू आप डेटा कम्युनिकेट करवा रहे हैं. सही है ना. उसमें होता ये है कि वेन वॉट एवर, इधर इट इज़ योर ईमेल, इट इज़ योर वॉइस डेटा, इट इज़ योर द टीम माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन. सही है ना. तो वो तमाम की तमाम जो है वो पैकेट्स ही फॉर्म में, लाइक इस तरह से पैकेट्स बन जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था IP के IP हेडर एंड प्रोटोकॉल, जिसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होती है. TCP/IP इसमें आ जाता है. सही ना. इसमें यानी मीन्स के सोर्स एंड डेस्टिनेशन बता दिया जाता है कि इसमें मुख्तलिफ पैकेट्स बना दिए जाते हैं. और इसमें जो रूट होता है वो फिक्स रूट नहीं होता है. दिस इज़ लाइक ए वन लाइन. सही ना. एक उसमें सेपरेट पाथ्स होते हैं. सही ना. अब जो आपका पैकेट है वो किसी एक डेडिकेटेड लाइन से, एक डेडिकेटेड पाथ से नहीं जाता. देयर आर सो मैनी डिफरेंट राउटर्स इन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. बस पैकेट्स को पता होता है कि उनको किस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. सही है ना. उसके पास कंप्लीट पैकेट के पास डिटेल होती है, तो पैकेट कहीं से भी किधर से भी चला जाता है. सही है. तो उसमें ये होता है कि बेसिकली जो बीच में पाथ है वो एक लाइन के लिए फिक्स नहीं होता. उस पाथ के ऊपर मल्टीपल नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. सही है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरे घर पे अगर 3-4 लैपटॉप और कनेक्ट कर दिया जाए और टीम माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू प्रेजेंटेशन परफॉर्म हो रही हो, तो वो एक ही राउटर मेरा जो होगा वो हैंडल कर रहा होगा मुख्तलिफ पैकेट्स को. सिर्फ उनको ये पता होता है कि जो इस मैं वॉइस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मेरी ये प्रेजेंटेशन है, तो मेरी प्रेजेंटेशन को वो खुद ही पैकेट्स में कन्वर्ट करके, और उसको पता होता है कि किस डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचानी है. सही है ना. तो इसमें रूट जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता. सो दिस इज़ कॉल्ड द पैकेट स्विचिंग कनेक्शन टेक्निक. सही है ना. कि इसमें पैकेट्स बन जाते हैं और वो किसी भी पाथ से बस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है. तो इससे जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसमें ना आपकी जो लाइंस है ना वो रिजर्व नहीं होती. यहाँ पे ये है कि इसमें 4 लाइंस हैं, तो ये 4 लाइन अगर बेशक आपने यहाँ से फ़ोन को डायल किया, सही है, और यहाँ पे आपने इस पर्टिकुलर पर्सन को डायल कर दिया, तो होगा क्या कि लेट सपोज इफ़ दिस इज़ अ लाइन, इट इज़ रिमेन लाइक बिजी फॉर दीज 2 पर्सन, इन रिस्पेक्ट कि वो लोग कोई बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं नहीं कर रहे. ये जो लाइन है वो क्या कहते हैं, वो डेडिकेट हो गई है इन दोनों पर्सन्स के लिए. अब ये लाइन जो है ना किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रही. सही है. जबकि जो पैकेट स्विचिंग है उसमें ये है कि ये पैकेट इसी लाइन पे भेजता रहेगा, ये भी इसी लाइन पे भेजता रहेगा. जब जब इसको मौका मिलेगा, जिस PC को भी मौका मिलेगा, वो अपना पैकेट भेजेगा. फिर जो लास्ट राउटर होगा जो रिसीव करेगा, तो अकॉर्डिंगली वो उस पर्टिकुलर सिस्टम तक वो पैकेट पहुंचा देगा. वो पैकेट दोबारा से कंबाइन हो जाते हैं और आपका जो डेटा जो है वो यूज़ेबल हो जाता है. सही है ना. तो इस तरह से यानी मीन्स के दोनों में, यानी इस तरह से पैकेट में ये फ़ायदा है.
इसमें यानी इसका जो एडवांटेज है सर्किट स्विचिंग में वो ये कि इसमें लॉसेस के चांसेस कम है, सही है ना। यानी मीन्स ये चूँकि आपको एक डेडिकेटेड लाइन असाइन हो गई उसी के अंदर आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसमें लॉसेस के चांसेस कम हैं। समटाइम इसमें ये होता है कि आपका राउटर अगर सही तरह काम नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई लाइन में पाथ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ पैकेट्स आपके रिसीव हो जाते हैं, कुछ पैकेट्स आपके समटाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सही है ना। तो उसमें आपके पास जो खासकर जो वॉइस कम्युनिकेशन होती है उसमें अगर समटाइम ये फील हो रहा होता है कि आवाज़ कट कट के आ रही है या क्या कहते हैं आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो उसमें आपका जो पाथ है और आपकी जो बैंडविड्थ वगैरह है वो प्रॉब्लम कर रही होती है, सही है। लेकिन जिस तरह आप ईमेल वगैरह भेजते हैं तो फिर उसमें फिर वो आ जाता है कि उसमें TCP प्रोटोकॉल होता है, सही ना। TCP प्रोटोकॉल 100% ऑथेंटिकेशन पहले रिसीव करता है कि कंप्लीट डेटा जो है इसके पास आ गया तो उस सिस्टम को मिलता है, वरना राउटर पे वो कंप्लीट डेटा को रिसीव कर रहा होता है, इसीलिए फिर वो UDP प्रोटोकॉल और TCP प्रोटोकॉल आ जाता है, सही ना। तो आमतौर पर जो वॉइस कम्युनिकेशन है हमारी तो उसमें UDP प्रोटोकॉल जो होता है वो यूज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से अक्सर ऑनलाइन हमें समटाइम कुछ आवाज़ जो होती है उसमें पैकेट जो होते हैं लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ जो होती है क्लियर नहीं हो पाती। तो वो तमाम की तमाम के इंस्टेंस है, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, सही है ना। तो लेकिन ये कि पैकेट स्विचिंग कनेक्शंस आर वाइडली यूजिंग करंटली एट द मोमेंट वर्ल्ड वाइड, सही ना। तो इसमें जो फ्रेम रिले नेटवर्क यूज़ होते हैं इसमें पैकेट स्विचिंग टेक्निक के अंदर, सही ना। इसकी डिटेल में अभी हम इतना नहीं जाएंगे कि व्हाट इज़ अ फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी, सही है। सो इट्स जस्ट लाइक रिसीविंग द पैकेट्स एट अ फ्रेम रिले एंड इट विल बी ट्रांसफरिंग टूवर्ड्स अ पार्टिकुलर राउटर, सही ना। हर पैकेट के पास सोर्स एंड डेस्टिनेशन और डेटा की डिटेल्स मौजूद होती हैं, तो अकॉर्डिंगली इट विल बी ट्रांसफर्ड, सही है। देयर विल बी ऑल द राउटर्स जो डेट हैज़ बीन कनेक्टेड ऑन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, दे हैव कंप्लीट हायरार्की के उनको पता होता है कि ये जो हम लोग राउटर है इसके पास नेक्स्ट राउटर कौन सा आएगा, सही ना। तो उनके पास डिटेल होती है, तो अकॉर्डिंगली दे कैन ट्रांसफर। एंड वन राउटर होल्ड मल्टीपल नंबर्स ऑफ राउटर्स IP एड्रेसेस, सही ना। तो मल्टीपल नंबर ऑफ IP जितने भी इसके साथ कनेक्टेड होंगे सबका डेटा इसके पास मौजूद होता है। इस तरह से द पैकेट हैज़ बीन ट्रांसमिटिंग एंड द लाइन्स हैज़ बीन फ्री। अच्छा, फिर सिंपल क्या ये जो वैन है, सही ना, सुना हम लोग, मैंने वो सब मैरीन का बताया था, CV3-4, ये तमाम तमाम वैन टेक्नोलॉजीज़ हैं, सही है ना। तो ये वैन टेक्नोलॉजी को अगर वायरलेस करना हो तो सिंपल हमारा जो ये मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, सो दिस इज़ द लाइक द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, सही ना। तो इट विल बी टेक ओवर बाय द GSM, GPRS इज़ यूजिंग, बोथ आर स्टिल यूजिंग, बट सून इट बोथ आर गोइंग टू बी ऑब्सोलीट, क्योंकि इनको टेक ओवर कर लिया है 3G एंड 4G ने, और अब 5G भी तकरीबन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, पाकिस्तान में भी हो सकता है कि जल्द आ जाए, सही है ना। सो वॉट इज़ द दीज टेक्नोलॉजीज, दीज आर द जस्ट इम्प्रूविंग द डेटा कम्युनिकेशन स्पीड एंड क्या कहते हैं इसमें कैपेसिटी वगैरह जो है उसकी जो इन्हेंसमेंट है, सो दैट्स दैट्स वाई द टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन मॉडिफाइंग, सही है ना। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें सेलफोन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा मैं उन्हें ऑलरेडी कवर्ड कर चुका हूँ, सही है, कि यू कैन ट्रांसफ़र योर डेटा फ्रॉम योर मोबाइल सेट टू एनी वेयर इन द वर्ल्ड, सही ना। डेफिनेटली इफ़ यू आर ट्रांसमिटिंग योर डेटा विद इन योर कंट्री देन द चार्जेस हैज़ बीन डिफरेंट, इफ़ यू आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर द चार्जेस हैज़ बीन डिफरेंट वन, सही ना। सो इट्स डेफिनेटली अ बिट एक्सपेंसिव। जो सबसे चीपेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ब्लूटूथ है, सही ना, उसके थ्रू जो भी कम्युनिकेशन हो रही है फ्री ऑफ चार्ज है, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसके थ्रू जो आप कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली यू हैव टू पे अलॉट, एंड स्पेशली इफ़ यू आर इन फॉरेन कंट्री देन यू हैव टू पे द जो होते हैं ओवरसीज चार्जेस जो होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं, रोमिंग जो जिसे आप कहते हैं, सही है ना। तो दीज आर द थिंग डैट यू हैव टू पे। डिफरेंस बिटवीन द वायरलेस लैन एंड वायरलेस वैन, सही है ना। तो दोनों की जो डिफरेंस है वो स्टैंडर्ड का डिफरेंट है, टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, सही ना। इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग योर सिस्टम वाया प्रोटोकॉल IEEE का जो प्रोटोकॉल है 802.11, सही ना, दिस इज़ फॉर द वायरलेस लैन
के लिए है, सही ना? यानी मीन्स कि आपका एक्सेस पॉइंट है, इसके थ्रू आप डेटा अपने मोबाइल में रिसीव कर रहे हो और आपके जो भी टैबलेट या लैपटॉप है उससे जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू आप योर एक्सेस पॉइंट हो रहा है, सही ना? तो दिस इज़ अ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द वायरलेस लैन कम्युनिकेशन एंड मोस्टली लाइक इन आवर हाउसेज एवरी वन इज़ यूजिंग द वायरलेस लैन कम्युनिकेशन, सही है? फिर उसी तरह वो डेटा जो आप सेल फोन के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हो, सही ना? लाइक इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम योर 4G टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सो दैट्स कॉल्ड द वायरलेस वैन कम्युनिकेशन, सही ना? तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू टेक्नोलॉजीज. यानी अगर आप अपने लैपटॉप के थ्रू इस टाइम मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और आपका लैपटॉप जो है किसी एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, तो सो यू आर यूजिंग द वायरलेस लैन. और अगर आप अपने सेल फोन के ऊपर मेरा डेटा सुन रहे हैं यूजिंग योर 4G टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब ये है कि यू आर यूजिंग द वायरलेस वैन नेटवर्क. फिर वेरी कॉमन है आजकल के जो हमारे जो सेल फोन्स हैं, सही ना? इट इज़ कनेक्टेड विद योर सेलुलर टेक्नोलॉजी एज वेल एज द एक्सेस पॉइंट, सही ना? क्योंकि अब आपके सेल फोन जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें दोनों की कैपेसिटी है, उसका यानी खासकर जो आपका जो एक्सेस पॉइंट है, सही ना, ये वाला एक्सेस पॉइंट, द स्पीड ऑफ एक्सेस पॉइंट इज़ मच हायर देन एज कम्पेयर टू द वैन और सेलुलर टेक्नोलॉजी. यानी मीन्स के जो एक्सेस जो होम ब्रॉडबैंड्स हैं इसकी बैंडविड्थ आपको ज़्यादा मिल रही होती है एज़ कम्पेयर टू द 4G, लेकिन डेफिनेटली इसमें लिमिट आ जाती है. यानी आपका सेल फोन जो है आपके राउटर से नियर बाय होना चाहिए, सही है? और अगर आप आउटसाइड हैं, घर से बाहर हैं, तो डेफिनेटली एक्सेस पॉइंट की जो रेंज है वो उससे बाहर चला जाएगा. तो देन योर फोन मस्ट बी कनेक्टेड ऑन योर सेलुलर कंपनीज डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सही है ना? तो जो हमारी टेलीमेडिसिन है वो भी लाई करती है इन दोनों के बीच में ही, सही है ना? कि इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग द टेलीमेडिसिन सेटअप विद इन अ कैंपस, सो यू आर यूजिंग दिस वन. यानी एक्सेस पॉइंट को यूज़ करेंगे, वायरलेस लाइन को यूज़ करेंगे. वायरलेस लैन इज़ अ बिट चीपर एज़ कम्पेयर टू द वैन कनेक्टिविटी. आप देखेंगे आपका जो डेटा चार्जेस हैं वो वायरलेस लैन के कम होंगे, केबल नेट के कम होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर 4G टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सही ना? वो अलग बात है कि कोई डिफरेंट पैकेजेस हैं, लेकिन अगर इसको एक कमर्शियल वे में देखा जाए तो दिस टेक्नोलॉजी इज़ अ बिट एक्सपेंसिव. तो यानी मीन्स के सेल फोन में आपके पास एक हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन है, सही ना? यानी मीन्स के आपका जो स्मार्टफोन है इट्स सेल्फ वर्क्स एज अ काइंड ऑफ राउटर, सही ना? कि लेट सपोज अगर आपके पास वो नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है घर पे, या वाईफाई नहीं है, सही है ना? सो हाउ यू विल कनेक्ट योर मोबाइल फोन इज वर्क लाइक अ हॉटस्पॉट. इट कनेक्ट विद अ सेलुलर डेटा. यानी मीन्स के वॉट एवर द कंपनी डेट यू हैव द सेल फोन, इट रिसीविंग द 4G टेक्नोलॉजी और वॉट एवर द 3G डेटा, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक्सेस पॉइंट के थ्रू जिसके अंदर आपके जो फ़ोन में बिल्ट इन है. क्योंकि जिस तरह ये डेटा जिस एक्सेस पॉइंट से ये डेटा रिसीव करता है उसी एक्सेस पॉइंट से डेटा ट्रांसमिट भी करता है, और जब ये ट्रांसफरिंग मूड में होता है तो ये हॉटस्पॉट बन जाता है, सही ना? और जब हॉटस्पॉट बन जाता है तो इट विल बी कनेक्ट अराउंड 8 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली. लाइक अपने आप सेल फोन के थ्रू 8 डिवाइसेस को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड योर लाइक द लैपटॉप्स इज कनेक्टिंग बाय योर सेल फोन, सही ना? तो ये चीज़ भी हम लोग अपने टेलीमेडिसिन में अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ बैकअप्स. कि जब जिस एरिया में अगर आपके पास लेट सपोज के PTCL लाइंस नहीं है, या फिर आपके पास वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है, सो यू कैन कनेक्ट योर सिस्टम द सेल फोन ऑन योर 4G टेक्नोलॉजी, एंड देन योर लैपटॉप्स और वॉट एवर द मेडिकल डिवाइसेस डेट हैविंग द एबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा थ्रू द Wi-Fi, so they can integrate with your cell phone and data communication has been continued. सही ना? जिस तरह से ये चीज़ possible है. इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो अब हो रहा है एम हेल्थ के अंदर, मोबाइल हेल्थ, सही ना? मोबाइल हेल्थ दे आर डूइंग एवरी ईयर देर इज़ अ सबमिट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दिस ईयर द सबमिट इज बीन गोइंग ऑन इन द फिनलैंड. देर इज़ अ सोसाइटी called Health Care Information and Management System Society. So mostly this society is dealing the technology, the research papers and the whatever the
कॉन्फ्रेंसिंग रिलेटेड टू द एम हेल्थ, सही ना। तो ये हिम्स के नाम से काफ़ी एक रिनोन सोसाइटी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव देयर ऑफिस, सही है। सो वॉट दे आर डूइंग, दे आर वर्किंग मोस्टली ऑन द एम हेल्थ रिलेटेड एप्लीकेशंस एंड द हार्डवेयर डिवाइसेस, सही है। सो इसमें ये कि इनका मेन पर्पज़ है कि मोबिलिटी ऑफ अ पार्टिकुलर पेशेंट एज वेल एज द मोबिलिटी ऑफ द कंसल्टेंट, यानी मीन्स के जो डॉक्टर है तो वो फ्रीली ईजीली अपने पेशेंट्स को देख सके, जो भी डेटा है उसको मॉनिटर कर सके। सिमिलरली जो पेशेंट है वो भी अगर ज़रूरी नहीं है कि वो हॉस्पिटल में हो, वो ही और शी कैन बी मूव ईजीली। सो दे आर सो मैनी डिवाइसेस डेट हैज़ बीन अवेलेबल इन मार्केट एज ए कमर्शली, कि आप उन डिवाइसेस को लेके अपने सेलफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, सही ना। सो यूजुअली दिस कनेक्टिविटी इज़ अकर विद द हेल्प ऑफ अ ब्लूटूथ, सही है। और उसके बाद यहाँ से जो फर्दर जो डेटा कम्युनिकेशन है वो डब्ल्यू वैन के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होती है, सही है ना। सम ऑफ द डिवाइसेस ऑल्सो हैव द एक्सेस पॉइंट्स, सो अगर एक्सेस पॉइंट है तो इसका मतलब है कि वो 802.11 का जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू जो है वो डेटा की कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है। तो यू कैन यूज़ इधर द ब्लूटूथ, ज़िगबी और द लैन कम्युनिकेशन टू कनेक्ट योर विद अस योर सेलफोन, एंड द सेलफोन सेंडिंग द डेटा थ्रू द वाइड एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोस्टली द इंटरनेट, सही है। सो एम हेल्थ एप्लीकेशंस इंक्लूड द यूज़ ऑफ मोबाइल डिवाइसेस इन कलेक्टिंग कम्युनिटी एंड क्लिनिकल हेल्थ डेटा, सही है। यदि सम टाइम ये होता है कि किसी भी कम्युनिटी में जाके किसी चीज़ को अगर टेस्ट करना हो, नाउ डेज द कोरोना टेस्ट हैज़ बीन गोइंग ऑन क्वाइट ऑफन दी वर्ल्ड वाइड, सही ना। सो वॉट दे आर डूइंग, दे डू नॉट नीड टू सबमिट द डेटा बाय गोइंग बैक टूवर्ड्स द ऑफिस। जब ये लोग कोई सैंपल कलेक्ट करते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर सेंटर में, तो वहाँ से डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस, यानी मोबाइल फ़ोन से मुराद ये होता है कि चाहे वो टैबलेट भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, तो टैबलेट एंड लैपटॉप के थ्रू वो अपना जो भी डेटा है वो एक सेंट्रलाइज हेल्थ केयर सेंटर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सही है। सिमिलरली डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन टू द प्रैक्टिशनर, सही है ना, जो भी डॉक्टर है उसको डिलीवर किया जा सकता है। रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, पेशेंट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो दी जा सकती है, और जो रियल टाइम पेशेंट की मॉनिटरिंग है वो भी विद द हेल्प ऑफ एम हेल्थ इज़ पॉसिबल, यानी मीन्स के इफ़ द ऑल पॉसिबल वाइटल साइन गैजेट्स आर विद द पेशेंट, सो डेटा हैज़ बीन मॉनिटर्ड ऑन योर सेलफोन और टैबलेट्स, वॉट एवर द थिंग्स, यू नो। इस तरह से ये चीज़ जो है मोस्ट कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में। सो वाई द एम जो इस टाइम फोकस है एम हेल्थ पे, इसी वजह से फोकस ज़्यादा हो गया है कि डिवेलप चीप हेल्थ केयर सिस्टम्स, यानी ताकि इसको हेल्थ केयर को चीप किया जाए और ईजी किया जाए, स्पेशली इन द रिमोट एरियाज। प्लस द सेलफोन्स प्राइसिस हैज़ बीन डिक्रीजिंग एंड यूजेज ऑफ सेलफोन इज़ इंक्रीजिंग इन स्पेशली इन द डिवेलपिंग कंट्रीज, सही ना। यानी मीन्स के सेलफोन इज़ नाउ अडेज इज़ वेरी कॉमन डिवाइस, ईच एंड एवरी पर्सन यूजअली हैव इट, सही ना। और अब द स्मार्टफोन इज़ ऑल्सो द मोस्ट कॉमनली यूज बाई एवरी पर्सन, सो डैट्स वाई द एम हेल्थ टेक्नोलॉजी इज़ क्वाइट रैपिडली इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड, सही है। सो इसके बजाय इसके कि आप अपना सिस्टम ओपन करें, उसमें डेटा इंटर करें, या अपने सिस्टम के थ्रू बाकी डिवाइसेस को इंटीग्रेट करें, आप सेल फोन के थ्रू भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस इज़ ए वन वेबसाइट डैट हैव सम डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ द एम हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजी, सो यू कैन विजिट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट alivetech.com, सही ना। देयर आर सो मैनी वेबसाइट्स दैट दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट एम हेल्थ सोल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी, सो विच इज़ वन ऑफ देम, यानी मैंने रेंडमली चूज़ किया तो मुझे अच्छी लगी, तो इसको आप एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका थोड़ा सा एक एम हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्दर क्लियर हो सके, सही है। तो इसमें एम हेल्थ के थ्रू आप डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी अलार्मिंग सेंटर कुछ जगहों पर, जो मैंने बताया था टेली नर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सो जो टेली नर्सिंग गेट द अलार्मिंग बाय द हेल्प ऑफ योर सेलफोन डेटा प्रोवाइडेड टूवर्ड्स द पर्टिकुलर नर्स। मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम भी ऑटोमेटिकली सेव किया जा रहा है, यानी पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम में चला जाएगा वंस इफ इट इज़ रिसीव बाय द सेल फोन एंड इट सेव इन द मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम। मोबाइल केयर को उस पर्टिकुलर पेशेंट को बताना हो कि फर्दर आपने ये टैबलेट लेनी है, या इन केस ऑफ एनी मेडिकेशन हैज़ बीन चेंज, रिलेटिव जो हैं वो लुक आफ्टर कर सकते हैं।
देयर इज वन गेट वे, सही ना, गेट वे इज अ काइंड ऑफ अ राउटर डेट रिसीविंग ऑल द गैजेट्स डेट हैज़ बीन डिप्लॉयड एट होम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, सो इट विल बी मेंटेनिंग द रिकॉर्ड एंड द ट्रांसफरिंग द रिकॉर्ड एंड नाउ डेज इट्स मोस्टली अकरिंग थ्रू द ब्रॉडबैंड एंड द 4G टेक्नोलॉजी. GSM इज स्लाइटली इज रिमूविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, यानी मीन्स के इसकी जिस, क्योंकि अब इतने सारे जो डिवाइसेज हैं अगर सेम टाइम पे जितना डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिहाज से हमें जो डेटा कम्युनिकेशन एंड बैंडविड्थ है वो हमें ज़्यादा चाहिए, सही है ना. तो ऑल दो GSM स्टिल इट्स क्वाइट गुड टू ट्रांसफरिंग सच काइंड ऑफ डेटा, लेकिन जब इमेजिंग की बात आएगी, क्योंकि अभी हमें इसमें इमेजिंग के डेटा के ऊपर हमने कोई बात नहीं की, इसमें मोस्टली जो डेटा है वो ज़्यादातर डिजिट्स में है, सही है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका ECG का डेटा है वो एक इमेजिंग फॉर्म में या सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, तो ऑल ऑफ द डेटा डजेंट रिक्वायर्ड मच बैंडविड्थ टू ट्रांसफरिंग. सबसे ज़्यादा जो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है वो इमेजिंग डेटा या वीडियो डेटा ट्रांसफरिंग के अंदर होती है, सही ना. तो उसके फिर हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जिसके थ्रू उसको कंपैक करके फिर डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है. तो ML टेक्नोलॉजी बेसिकली डील्स विद द बेसिक SMS एंड रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन सर्विस एज द बिग बोन एंड द करंट कॉमन यूज ऑफ द मोबाइल टेक्नोलॉजी. सो कॉल्ड ऑलमोस्ट आई हैव टोल्ड अबाउट दिस इन डिटेल. यानी ML के थ्रू जो करंटली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड डायग्नोसिस सपोर्ट बनाया जा सकता है, रिमोट डायग्नोसिस की जा सकती है, टेलीमेडिसिन है, सही ना, मेनली द टेलीमेडिसिन का ही पार्ट है ML जो है. ट्रैकिंग जो है वो परफॉर्म हो रही है, सही ना, विद द हेल्प ऑफ योर इंटरनेट, सही है ना, यानी मीन्स के जो आपको इंटरनेट सर्विस मिल रही है तो उसके थ्रू आपकी लोकेशन भी आइडेंटिफाई हो रही है, सही ना. GPS तो एक अपनी जगह पे काम कर रहा है जो ट्रैकिंग कर रहा है, सही ना, यानी मीन्स के जो आपका सेल फोन है उसमें GPS रिसीवर जो बिल्ट इन है, सही ना, उसके थ्रू कोऑर्डिनेट्स रिसीव करके भी ट्रांसमिट किया जा रहा है. लेकिन इनसाइड द होम, यानी अगर घर के अंदर हैं तो वहाँ पे जो आपका एक्सेस पॉइंट है इट विल बी हेल्प यू टू फाइंड आउट द करंट लोकेशन, सही ना. तो जो इंटरनेट के थ्रू जो लोकेशन फाइंड आउट हो रही होती है उसमें यानी एग्जैक्ट नहीं होती, तकरीबन 10 to 100 meters का डिफरेंस आ रहा होता है. GPS के थ्रू ऑलमोस्ट एग्जैक्ट लोकेशन जो होती है मैक्सिमम 1 to 5 meters का डिफरेंस होता है, अदरवाइज इट विल बी मच मोर एक्यूरेट लोकेशन, सही ना. और फिर अगेन के पेशेंट के पास अपने इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड या हेल्थ रिकॉर्ड का एक्सेस होता है, सही है. फिर इसके अलावा ML को यूज़ किया जा रहा है रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइसेस के लिए, M लर्निंग एप्स के लिए, सही ना, मोबाइल लर्निंग पर्पस के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है. वाइटल साइन ऐप बनाई जा रही है, यानी मीन्स कि आपके सेलफोन जो है वो डायरेक्टली पल्स रेट तो फाइंड कर ही लेता है, जो आपका जो सेंसर्स वगैरह के सेलफोन में लगे हुए होते हैं, ये इवन के जो लाइट होती है सेलफोन के अंदर उसके थ्रू पल्स रेट को फाइंड आउट किया जाता है, जो इंफ्रारेड लाइट्स वगैरह होती हैं, सही ना. फिर रिमोट डेटा कलेक्शन एंड डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है. यानी मीन्स के एक सो कॉल्ड एक कहावत कह लें या कोट्स कह लें कि द स्मार्टफोन इज़ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी अमंग डॉक्टर्स सिंस द स्टेथोस्कोप, यानी स्टेथोस्कोप के पास जो सेकंड मोस्ट थिंग एट राइट नाउ डॉक्टर्स के पास जो होनी चाहिए वो उनका स्मार्टफोन है, क्योंकि आजकल सेलफोन के ऊपर बेतहाशा यानी मीन्स के सो कॉल्ड एक एम हेल्थ और टेलीमेडिसिन थिंग प्रोवाइड हो रही है. इवन कि अगर डॉक्टर व्हाट्सएप पे भी आपको कोई मेडिसिन बता देता है, आप उसको व्हाट्सएप करते हो बता देगा, ठीक है, तो दैट्स अ काइंड ऑफ द टेलीमेडिसिन. सो सेलफोन इज़ वाइडली यूजिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस. इसको भी स्किप कर देता हूँ. देर आर सो मैनी वेबसाइट्स ऑलरेडी वर्किंग बट नाउ डेज इट्स वर्किंग मच मोर ड्यू टू द कोरोना वायरस, सही ना. इसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डॉक्टर की कंसल्टेशन का जो रिवाज है वो बढ़ना शुरू हो गया है, सही ना. तो उसमें कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि पाकिस्तान की हैं और इंटरनेशनली तौर पे तो बेतहाशा मुझे मिल रही थी. मेरी कोशिश ये थी कि मैं ज़्यादा वो वेबसाइट फ़ाइंड आउट करूँ जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो. तो उसमें अगर आपने ये विज़िट की हो ola.doc.com, सही ना, तो ये मुझे एक अच्छी वेबसाइट लगी है, सही ना. इसके अंदर ये तो है कि एक तो छोटे मोटे कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं, सही ना, तो वो डिफाइंड है. और इसके थ्रू आप ये यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ आ रहा है फ्री वीडियो कंसल्टेशन विद जनरल प्रैक्टिशनर, सही ना, कोविड के लिहाज से यानी डिफाइंड है.
फिर इसके अलावा इसके अंदर आप डॉक्टर्स जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं विद देयर स्पेशलिस्ट यू कैन फाइंड आउट एंड आई हैव सर्च सम ऑफ द डेटा विच इज़ क्वाइट ऑथेंटिक एज वेल. सो दे आर ऑल्सो हैव द सेल फोन हेल्पलाइन. सो आई थिंक दिस इज़ अ लैंडलाइन नंबर ऑफ द लाहौर बेस्ड नंबर. I think the Lahore based company this is. So you can call them and you can find unse bhi pooch sakte hain ki mujhe particular doctor ka appointment chahiye. So they can tell about the doctor name and the appointment time. So this is one of the, like we can say, the M Health application. So you know, so it is one of the, I think, the good application that has been started in Pakistan. They also have some app as well. Inki app bhi maujood hai, sahi na. उसके थ्रू आप किसी भी पार्टिकुलर डॉक्टर का मालूम कर सकते हैं. इसके अलावा शायद इसमें रेटिंग वगैरह भी दी हुई है डॉक्टर्स के मुतालिक, दूज हु हैव टेकिंग द कंसल्टेशन विद दिस पार्टिकुलर वेबसाइट और द ऐप. सो व्हाट देयर ओपिनियन अबाउट द पार्टिकुलर डॉक्टर एंड द एप्लीकेशन. सो ओवरऑल आई डू नॉट रीड मच अबाउट इट, बट लाइक some of the people said that it's very helpful, like a very helpful app for booking appointment and searching for the required doctor. So you know, usme se good comments maine is particular website ke upar dekhe hain. So there are so many websites, marham.pk, shifa for you, this is another website. Isme bhi any means ke ye something they are doing the consultation. So you know, एट करेंट सर्विसेज अवेलेबल फ्राम 10 AM टू 4 PM. इन्होंने अपना टाइम मैंशन किया हुआ, इसमें आपको आई डी वगैरह बनानी है, सही है. अगर आप फिजिशियन है, यू कैन ज्वाइन एज अ फिजिशियन एज वेल. सो दीज आर ये हेल्थ एप्स, सही है. सो यू कैन इंस्टॉल इन योर पर्टिकुलर सेल फोन. सो दीज आर द पार्ट ऑफ द एम हेल्थ टेक्नोलॉजी. ये एम हेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहे हैं. फिर ये गवर्नमेंट का भी एक हॉस्पिटल है, पिम्स, जो महल में इस्लामाबाद में मौजूद है. तो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन कंसल्टेशन नाउ डेज, और मे बी दे आर प्रोवाइडिंग प्रीवियसली एज वेल, बट एट द मोमेंट दिस इज़ वेरी द लाइक द करेंट टॉपिक. सो यू कैन डू नॉट नीड टू गो फॉर द जस्ट फॉर कंसल्टेशन टू विजिट द पर्टिकुलर हॉस्पिटल, स्पेशली नाउ डेज. सो यू कैन कंसल्ट विद ऑफ दिस थिंग. सो ऑल ऑफ दिस is possible due to the telemedicine and the ML technology. So the ML solutions are public health and lifestyle messages over mobile phone, medication alert using mobile phone, e-prescription for repeat prescriptions via mobile phones. So any means ke agar aapne prescription leni hai to e-prescription ka bhi concept aa gaya. Prescription is required to take your medicines, especially the antibiotics. Right now it is not following in Pakistan, but in the Western and the developed countries, without prescription you cannot get the medicine. So usme yani jo prescription hoti hai usme doctors ki complete detail hoti hai jisko verify karke fir medicine jo hoti hai wo patient ko di ja rahi hoti hai. Tele monitoring wagaira ki ja rahi hai, transmission of test results to the patients via SMS, sahi hai. लाइक आ खान वाले तो सिर्फ ईमेल के थ्रू दे देते हैं, लेकिन यू कैन सी द रिजल्ट्स इन योर ईमेल, यानी ईमेल में आपको आ जाते हैं होते हैं कि अगर आपने ईमेल पे उसको रजिस्टर करा दिया कि माय ईमेल इज दिस. सो वैन एवर द रिपोर्ट इज रेडी सेंड ऑन माय ईमेल सिस्टम, सी ना. इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इफ इट इज़ मेंटेनिंग और यू आर यूजिंग ऑफ सम कंपनी, सही ना. एमरजेंसी केयर फॉर एक्सीडेंट्स वगैरह हो गई, सही है. इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके ये सोल्यूशन जो है इस टाइम ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी इन है, सही है. तो ये था एम हेल्थ इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क का मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था शुरू में, सही है ना, जहाँ पर हम लोगों ने सर्किट स्विचिंग के ऊपर जो मैंने बात की थी. ISDN लाइन ये जो है यहाँ पर ISDN लाइन, सही ना. तो इसकी मैंने मैक्सिमम से ओनली 2 स्लाइड्स हैज़ बीन एडिड in this particular lecture because it is not much using since the broadband comes. इसलिए जो आखिरी स्लाइड की जो पॉइंट है कि ISDN is no longer as popular since the broadband comes, सही है. लेकिन still it is active technology, so at least you have to know the idea. क्योंकि जो हमारे अक्सर रिमोट एरियाज़ हैं, सही ना, जहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे यहाँ जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उन्होंने केबल्स बिछाई हुई हैं, चाहे वो कॉपर वायर्स हों चाहे वो फाइबर ऑप्टिक्स, इट इज़ अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज. बट इन द लाइक द हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, सही ना, तो वहाँ पे अभी ब्रॉडबैंड या सेलुलर कंपनीज का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है. तो वहाँ पे स्टिल दे आर यूजिंग द ISDN लाइंस.
तो ISDN लाइन का तो मैंने वैसे ही बता दिया था कि दिस इज सर्किट स्विचिंग टेलीफोनिंग सिस्टम, सही है ना, पॉइंट टू पॉइंट ये काम करता है। सम केसेस में इसको पैकेट स्विचिंग पे भी कन्वर्ट कर दिया गया है, जो मुझे अभी रिसेंटली पता चला था इसको, कि इसको पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पे भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लेकिन मेनली इट्स बर्स ऑन द सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, सही है। वॉइस वीडियो डेटा वगैरह इसके थ्रू ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर बेसिकली टू लेवल्स हैं, सही ना। इफ़ यू आर गोइंग टू टेक ISDN लाइन्स, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ISDN लाइन्स। वन इज कॉल्ड द बेसिक रेट इंटरफेस, डेट्स कॉल्ड द BRI, एंड द अदर इज द प्राइमरी रेट इंटरफेस, सही ना। तो दोनों में ना जो डिफरेंस है वो ये है कि चैनल्स का डिफरेंस है, यानी यूजुअली जो BRI है ना, बेसिक रेट इंटरफेस, इट इज़ यूज फॉर होम पर्पस और एक स्मॉल बिजनेस के लिए, सही है। और अगर आप एक कमर्शियल में काम करना चाह रहे हैं, बल्क ऑफ डेटा है आपका, कोई बड़ा सेटअप है, तो उसके लिए आप प्राइमरी रेट इंटरफेसिंग लेंगे, सही है ना। इस इन दोनों टेक्नोलॉजीज में क्या होता है कि यू हैव द सम चैनल्स, द कम्युनिकेशन चैनल्स, वन इज़ कॉल्ड द बी चैनल एंड द डी चैनल्स, दोनों होते हैं, सही ना। बी चैनल जो होता है बेसिकली वो आपका डेटा, वॉइस और इमेज डेटा जो होता है या टेक्स्ट डेटा जो होता है उसको ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करता है। डी चैनल जो होता है आमतौर पे एक सिंगल चैनल होता है और वो बेसिकली सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहा होता है या इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। इट मीन्स इट इज़ लुक आफ्टर दैट योर डेटा हैज़ बीन ट्रांसमिट और रिसीव सक्सेसफुली। तो बेसिकली ये चैनल इसको मॉनिटर कर रहा होता है। लाइक सपोज कि आपके पास सम लाइंस हैं जो कि डेटा लेके जा रही हैं, और जो जो डेटा जो जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी सिग्नलिंग की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डी चैनल के पास होती है, और वंस द डेटा हैज़ बीन रिसीव्ड तो उसकी एक्नॉलेजमेंट भी जो है वो डी चैनल जो होता है मेंटेन कर रहा होता है। अब बात करते हैं इसकी बैंडविड्थ की। इसकी बैंडविड्थ ये है कि जो BRI है, जो बेसिक रेट इंटरफेस है, इट कंसिस्ट ऑफ 264 kbps कम्युनिकेशन चैनल, सही है। ये वही जो मैंने डिजिटल सिग्नल का बताया था कि इसमें दो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, सही ना, बी चैनल्स में, और जो इसका जो सिग्नल इंफॉर्मेशन चैनल होता है डी चैनल, इट कैरीज 16 kbps कम्युनिकेशन स्पीड, सही है ना। तो उसकी ये बैंडविड्थ होती है। बेसिक रेट इंटरफेस कैन बी अप टू 128 kbps की सर्विस तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, सही है ना। यानी 64 bit से 128 kbps की स्पीड पे इसको चेंज किया जा सकता है। BRI कंसिस्ट ऑफ 23 B चैनल्स एंड 164 kbps डी चैनल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी मीन्स के इट ऑल्सो डिपेंड्स, कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर रहा होता है, सही ना। तो ये जो BRI है जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में 23 चैनल्स यूज़ हो रहे हैं, जबकि यूरोप साइड पे 30 B चैनल्स यूज़ कर रहे हैं और वन सिग्नल इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल चैनल है जो कि इसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो डेफिनेटली द बैंडविड्थ ऑफ द यूरोपियन ISDN लाइन इज हायर एज़ कम्पेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, बट इट डजेंट मैटर। यानी मीन्स के जब आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता उतना खास। डेफिनेटली इट ऑल डिपेंड अपॉन के अगर आपका कोई हैवी डेटा नहीं है, सही ना। सो बट इट्स ऑलमोस्ट ऑब्सोलीटेड सिंस द ब्रॉडबैंड एंड द 5G टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन कम इन द यूरोप एंड अमेरिका। हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी शुरू में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, अभी भी स्टिल दे आर यूजिंग, बट इट इज़ नॉट मच एक्टिव, डैट्स कॉल्ड द इंफ्रारेड डेटा, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, एंड द एसोसिएशन डैट हैज़ बीन डिवेलप दिस टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड द इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन, IRDA के नाम से, सही है ना। अब ये टेक्नोलॉजी खासकर हेल्थ केयर डिवाइसेस में इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। मैं कोई इंस्ट्रूमेंट भी तलाश करना चाह रहा था कि जिसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हो, तो मुझे ऐसा सच कोई मिला नहीं है, सही ना। तो इस लिहाज क्योंकि इंफ्रारेड वॉज सुपरसीड बाय द ब्लूटूथ, सही ना। इसका एक सिंपल सा एक आंसर है कि ब्लूटूथ ने इसको सुपरसीड कर लिया, क्योंकि इंफ्रारेड की जो कम्युनिकेशन है, एक तो उसकी बैंडविड्थ कम थी, यानी मीन्स की 2.4 215 kbps की इसकी कम्युनिकेशन रेट है, और फिर इट्स द डिस्टेंस इज ऑल्सो लेस एज कम्पेयर टू द ब्लूटूथ, सही है ना। यानी 1 से 5 meter की रेंज पे ये मैक्सिमम काम करता है, अदरवाइज इसके सिग्नल लूज होना शुरू होते थे। और एक और चीज़ के ये यूनी डायरेक्शनल है कि इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रांसमिट द डेटा द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मस्ट बी
फॉलो द डायरेक्शन ऑफ ईच अदर सी ना, लाइक आपने टेलीविजन के रिमोट देखे हैं, डीवीडी प्लेयर है या एसी के रिमोट हैं, जितने भी हमारे पास होम अप्लायंसेस के रिमोट हैं तो उसमें इंफ्रारेड यूज़ करते हैं. इंफ्रारेड इज मच चीपर देन द ब्लूटूथ, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी. सो स्टिल इट इज़ यूजिंग बट नॉट एज एक्टिव एज द ब्लूटूथ एट द मोमेंट. सही ना, ब्लूटूथ इज़ अ ओमनी डायरेक्शनल, द बैंडविड्थ इज़ हायर. सही है, सो इट विल बी इंटीग्रेट विद अ लाइक आर्डुइनो और एनी माइक्रो कंट्रोलर्स एज वेल एज द medical and other devices as well. So the devices of the infrared is a bit less at the moment compared to the Bluetooth technology. So this is almost the my last slide of this lecture. Any questions so far? Yes, sir. Okay. आज कोई मैंने क्विज वाइज नहीं बनाया. जो कल का क्विज था थोड़ा सा मैं उसको ही डिस्कस कर लेता हूँ कि उसके मैंने फिर वो कल टाइम ज़रा ज़्यादा हो रहा था, फिर दूसरी क्लास का टाइम हो गया था. तो ये पेपर पता नहीं मैंने ईमेल, चलिए मैं दोबारा से ईमेल करता हूँ, इसको रीड आउट ज़रूर करें. सही ना, फिर उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी आ गई है ना. अच्छा, ये ईमेल मैंने रात की सेंड की हुई थी तो मेरे पास एक्नॉलेज नहीं आई हुई थी सेंड आइटम्स में कि ये सेंड हो गई है, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज था कि चलो अगर आ गई है तो वेल एंड गुड. रीड दिस पेपर एंड वंस द यूनिवर्सिटी विल बी ओपन देन वी विल थिंक अबाउट इट टू डू सम, यानी इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना मैं चाह रहा हूँ कि इसको आगे लेके चलें. सर जिशान भी इसमें काफ़ी एक्टिव है तो इसको हम देखते हैं. बाकी जो असाइनमेंट्स भी मैंने अभी सारे चेक नहीं किए हैं. हाँ, तो ये रिजल्ट्स मेरे पास आए थे तुम लोगों के ये कल के ही है ना. हाँ सही है, द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ करेक्ट, द कॉन्सेप्चुअल मॉडल तुम लोगों ने सही लिख दिया था, ट्रांसपोर्ट लेयर भी सही लिख दिया था, और ये पोर्ट का भी फिक्स फॉर ईच एप्लीकेशन सही आंसर. अच्छा, इसके अंदर वो तुम लोग शायद कंफ्यूज हो गए थे, दोनों का एक जैसा ही आंसर आया, मेजोरिटी तुम लोग एक जैसा ही आंसर है. इसमें वो सारी चीज़ें थी, यानी जो था डिफरेंस बिटवीन द यूडीपी एंड टीसीपी. सो दिस इज़ वन ऑफ द करेक्ट आंसर, लेकिन चूंकि जो वो ऑनलाइन जो फॉर्म क्रिएट होता है ना उसमें वो अगर आपने सारे चॉइसिस को क्लिक किया है तो वो पॉइंट्स देता है, अदरवाइज वो पॉइंट्स नहीं देता होता. फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी आंसर सही था, ये भी सही है. सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी सही है. यहाँ पे क्या गलती कर दी थी, हाँ यहाँ पे देखो तुम लोगों ने ये गलत चॉइस को सिलेक्ट कर लिया था दोनों ने, यानी विच ऑफ़ दीज आर द करेक्ट आई पी एड्रेस. सो मेक श्योर कि 256 कभी भी नहीं हो सकता ये वाला जो है, तो बाकी दो जो तुम लोगों ने चूज़ नहीं किए ना तो वो करेक्ट आंसर थे. सो 256 इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. फिर आई पी वर्जन 4 सही है. यहाँ पे शायद ये अरीबा का गलत हो गया था क्योंकि इसमें बिट्स को आपने काउंट करना था. टोटल जो होते हैं ना इसमें जो फोर वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होती हैं और इनका जो साइज़ होता है तकरीबन 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 होता है. तो सिंगल बिट्स नहीं थी ये, तकरीबन 30 बिट्स थी. उसके अलावा हाँ, टेलीमेडिसिन कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते थे, यानी लेकिन उसमें से क्योंकि एक ही आंसर करेक्ट था तो उसमें यानी ब्रॉडबैंड इज मच मोर करेक्ट आंसर. सही ना, सो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू वो सिर्फ अपने नेटवर्क में ही रहेगा. सही है, अपने नेटवर्क से फिर डेटा अगर आपने किसी दूसरे सिटी में ट्रांसमिट करना है तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है उसके थ्रू आप लोकली तौर पे भी डील कर सकते हो और एक्सटर्नली तौर पे डील कर सकते हो. डेफिनेटली अगर लोकली तौर पे डील करोगे ब्रॉडबैंड को, इट विल बी क्वाइट एक्सपेंसिव. हाँ उसामा कुछ कह रहे हो? हाँ मैं सर ये कह रहा था कि जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था इसमें मैं ये समझता हूँ मतलब जो चारों पॉइंट थे ना वो चारों ही करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि चारों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है ना. आप इस तरीके से अगर देखें टेलीमेडिसिन इतनी ब्रॉड ब्रांच है हाँ. कि आपको ब्रॉडबैंड तक लिमिट नहीं कर सकते ना, वही बात है जैसे आपने भी कहा ना कि अगर जैसे हम बहुत ही छोटे एप्लीकेशन के लिए ब्रॉडबैंड को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ेगा ना. डेफिनेटली, लेकिन हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, वो चारों के ऑप्शन जो थे ना वो सारे ही तकरीबन सही थे, लेकिन वो सवाल ऐसा था कि उसमें से कोई एक चूज करना था.
तो अगर तो एक चूज करने की बात आएगी तो डेफिनेटली आप ब्रॉडबैंड पे जाओगे, अगर तो वो सारे चूज करने की बात आएगी तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है तो, और जो भी कुछ और अगर टेक्नोलॉजी मैंने लिखी थी सवाल में तो वो तमाम की तमाम होती हैं। लेकिन फिर वही है कि अगर आपके पास सिर्फ एक चॉइस हो तो फिर ये इंटरनेट एक ऐसी चॉइस है जिसमें बाकी सब कवर हो जाते हैं। जिस तरह लोकल एरिया नेटवर्क है इसके अंदर पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क है तो उसके अंदर बॉडी एरिया नेटवर्क कवर हो जाएगा। तो सही उसमें फिर हाईएस्ट अगर वो अगर एक ऑप्शन है तो फिर इसका करेक्ट आंसर ये है। लेकिन डेफिनेटली यू आर राइट, राइट नाउ आई एम नॉट गिविंग एनी मार्किंग फॉर दिस पार्टिकुलर क्विजेस, जस्ट क्योंकि क्विज क्रिएट कर रहा हूँ अभी ऑनलाइन तो उसमें कोई ना कोई मार्किंग रखनी होती है, तो वही अब वो मार्किंग रखी हुई है अभी फ़िलहाल मैंने। तो इसको फिर हम बाद में देख लेंगे जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी ना कि क्या करना है। एनी कोई कोई और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चलो फिर आज लेक्चर जो है ज़रा जल्दी ख़त्म हो रहा है, सही है। फिर कोई अगर कोई कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मीटिंग एंड कर देते हैं। ठीक है सर। चलो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।